आजकल बड़ी सोच विचार चलती है कि हम लोग कर्म बड़े अच्छे कर रहे हैं, दुखी फिर भी हैं साथ साथ। मतलब कारण क्या है कि हम अपने कर्मों को करते करते उब गए हैं, और ऐसी फीलिंग होती है कि हम बड़े दुखी हैं अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन हम बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं। हम खुद से जब अपने आप से जब आत्ममंथन करते हैं, हम जब खुद एनालाइज करते हैं कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, और कई वर्ष बीत गए इस कर्म को अच्छे करते करते, फिर भी हम बहुत परेशान हैं। तो आपने खुद महसूस किया है, कभी कभी हम अपनी इच्छा शक्ति से अपने आप से सवाल करते हैं कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं जीवन के अंदर, फिर भी हमें तकलीफ क्यों हो रही है? हमें मतलब कौन सा ऐसा दुख है, या ऐसा कौन सा कनेक्शन है जो हमारे इतने वर्ष तक अच्छे कर्म करने के बाद भी हमारे संग दुख तकलीफ पीछा नहीं छोड़ रही? मतलब आता है ना मन में कभी कभी सवाल। देखिए, इस बात को आप इस तरीके से समझे कि हमारे तीन प्रकार के कर्म होते हैं। जैसे आपने भूत, भविष्य, वर्तमान, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वो अंग्रेजी की कक्षाओं में पढ़ा है, तो इसी तरीके से हमारे तीन प्रकार के कर्म होते हैं। जो हम अभी अपनी जिंदगी को देख रहे हैं, आसपास अपने सगे संबंधियों को देख रहे हैं, रिश्ते नातों को देख रहे हैं, सहयोगियों को देख रहे हैं, सहपाठियों को देख रहे हैं, अपने आसपास का कोई भी वातावरण के अंदर कोई भी रिश्ता देख रहे हैं बेसिकली, तो वो हमारा प्रेजेंट कर्म है। उसको तो हम अच्छे से कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है हम होश हवास में हैं। अब किसी भी आदमी प्रेजेंट में, अभी यथार्थ में कोई कर्म करता है तो उसको पता होगा, उससे पूछेंगे आपने 1 घंटे पहले कौन सा कर्म किया था, अच्छा था बुरा था, तो वो तुरंत जवाब दे देगा कि भाई मेरे कर्म तो बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो उसके सामने का आंखों देखी हाल है। अभी जो हमें दुख मिलता है जीवन के अंदर, आप समझें इस बात को, जो जीवन में हमें दुख मिलता है वो हमारे कहीं पूर्व जन्म के साथ तो कनेक्शन नहीं है। अब हालांकि हमने वो पूर्व जन्म देखा नहीं, तो उस चीज को एनालाइज करने में, समझने में, उस पर विचार करने में थोड़ी जरा सी मतलब अड़चन आती है, तकलीफ होती है, बेसिकली समझ नहीं आता। तो ये तो पूर्व जन्म भी हो सकते हैं, और आने वाले वक्त को हमारे भविष्य के कर्म जो होते हैं। तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म, हमारे प्रेजेंट जन्म के कर्म, जो कि अभी हम हैं, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं वार्तालाप, तो ये हमारे प्रेजेंट कर्म है। पीछे के कर्म हमारे जा चुके, और आने वाले कर्म अभी आना बाकी है। तो डिफरेंस समझें इन तीनों कर्मों के बीच में। अच्छे कर्मों को आज कर रहे हैं और आज ही नतीजा चाहिए, आज ही रोटी बनाई उसको आज ही खानी है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, इसकी अपनी एक साइकिल है, फॉर्मेशन है। और आप यकीन माने, अगर आपको आज ये थ्योरी समझ आ जाए, तो भविष्य में किसी भी मतलब जो कंफ्यूजन की स्थिति है जीवन के अंदर, जो भी कंफ्यूजन की स्थिति है जीवन में किसी भी व्यक्ति के, वो कभी नहीं रहेगी। आपने एक पौधा देखा है, क्या जीवन वहां से शुरू होता है? आपने एक पौधा देखा होगा अपने घर के गार्डन्स में, या कहीं पूजा पाठ के स्थल पर तुलसी का पौधा देखा, केले का पौधा देखा, तो क्या जीवन वहीं से शुरू था उसका? या फिर वो शायद कभी कोई बीज था वहां पर, सीड था, किसी ने वो बीज लगाया होगा, या जो भी मतलब उसका रोपण किया होगा, या वो सीधा अपने आप ही पौधा बन के निकल गया। हम बचपन से लेकर आज जो जिस एज में हैं, वो आज ही पैदा तो नहीं हुए, वो एक पूरा पीछे से साइकिल चलता आ रहा है। तो इस साइकिल को समझ लें, एक बीज लगा, फिर उसमें खाद, पानी, पूरी प्रकृति का मिक्सचर लगा, फिर वो पौधा बना, फिर एक प्रोसेस हुआ जिसमें वो वृक्ष बना और उसने फल दिए, और फाइनली वो पेड़ अपने आप मुरझा के एक अपनी आयु के बाद समाप्त हो गया। अब उसके कर्मों के बीच में अगर वहां फल लगे उस वृक्ष पर, अब समझें इस एग्जाम्पल को, अगर उसके कर्मों के बीच में अगर कुछ फल लगे, उन फलों के कोई बीज वृक्ष से अपने आप ऑटोमेटिकली जमीन पर दूर जाके गिरे, तो वो वृक्ष तो कट जाएगा, लेकिन जब उसका नया जन्म होगा, यानी उसके बीजों का नया जन्म होगा, पर अगर उस पर वृक्ष ही नहीं लगे, यानी मानव जीवन के अंदर कर्म ही अच्छे नहीं हुए, तो फिर वो नई चीज पॉजिटिव कहां से आएगी? अब फर्क समझे ना, भगवान ने थोड़ा फर्क किया है वाला।
प्रकृति अपना हिसाब अपने हिसाब से चलाती है, हमारे कर्म अपना हिसाब हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के हिसाब से चलाते हैं। सिंपल एक एंगल को समझें, अगर भगवान ने इस किस्मत को बनाया होता तो जितने भी दुनिया के लोग हैं वो सारे भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अपने शिष्य हैं, तो वो किसी के जन्म के बीच में भेदभाव करता? कभी नहीं करता। अगर हमारे माता पिता ने हमारी किस्मत को लिखा होता, अगर उनके पास वो पावर होती, द पावर ऑफ फॉर्च्यून, तो वो अच्छी किस्मत लिखते। अब जो कि भगवान ने अगर किस्मत लिखी होती तो वो सभी लोगों की किस्मत बहुत बराबर लिखते, अच्छे से लिखते, क्योंकि वो तो हमारे माता पिता हैं। अब जो कि हमारी किस्मत को हमारे कर्मों ने लिखा है और उसको अमली जामा पहनाया है हमारे ग्रहों ने, तो भगवान का कोई लेना देना नहीं इस थ्योरी के साथ। अब बहुत ज्ञानी जन बोलते हैं कि अगर हमारे ग्रहों से सब कुछ कनेक्ट है तो हम भगवान की पूजा अर्चना क्यों करें? वो इसलिए करें क्योंकि हमारे कर्मों को झेलते वक्त, हमारे कर्मों को फेस करते वक्त जो हमें कठिनाई आएगी, उस कठिनाई से लड़ने के लिए ग्लूकोन डी कौन देगा, ग्लूकोज की डोज कौन देगा? भगवान की आराधना। किसी भी शक्ति से किसी भी युद्ध में लड़ने के लिए शस्त्रों का बहुत प्रयोग होता है, सबसे मेन प्रयोग होता है, और वो शस्त्र अगर हमको ईश्वर के गुणगान से, उसके नाम से अगर मिल जाएंगे तो जो जीवन रूपी हम लोगों के कर्म हैं उनको हम अच्छे से पास ऑन कर देंगे। तो इस विधान को समझें आप, हमें ठहराव लाना होगा अपने जीवन के अंदर, स्टेबिलिटी। हमें तो आज कर्म किया आज ही रिजल्ट चाहिए। एक विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता है तो 12 महीने की पूरी मेहनत के बाद, जद्दोजहद के बाद, रात दिन मेहनत करने के बाद एक दिन उसका नतीजा आता है। अब वो एक दिन पढ़ाई कर ले और अगले दिन नतीजे की उम्मीद कर ले, तो प्रकृति के अपने विधान है। हम जो आज हैं हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण है। अब पूर्व जन्म, अब बहुत सारे लोग मन में इच्छा जाहिर करते हैं कि इसी जन्म में कर्म मिल जाता, तो फिर कोई भी चीज अगर इंस्टेंटली मिल जाती तो समझें आप इस बात को, तो वो इंस्टेंटली चली भी जाती। कोई भी चीज अगर हमको अभी मिल जाती तुरंत तो फिर वो तुरंत चली भी जाती, क्योंकि प्रकृति का विधान है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द लॉ ऑफ ग्रेविटी। कोई भी चीज इस दुनिया में उत्पन्न होती है प्राकृतिक रूप से तो उसको प्राकृतिक रूप से जाना पड़ता है, क्योंकि जब तक वो नहीं जाएगी तो वो नए रूप में कैसे आएगी? जब आप अपने कपड़ों को चेंज करते हो तभी तो नए, एक नई ड्रेस को आपने पहना, तो कब पहना? जब आपने पुरानी को उतार दिया। दैट इज द लॉ ऑफ नेचर, सही है? तो इस तरह से हमें अपने जीवन को, तो बहुत सारे लोग बड़े परेशान होते हैं अंदर से, जीवन ऐसे जी रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। अरे भाई, आपने पुराने जन्म, अपने पूर्व जन्म, जैसे एक थेरेपी का नाम है बहुत सारी आजकल चलते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसमें कुछ साइंटिफिक थ्योरी करके आदमी को उसके पूर्व जन्म में लेके जाया जाता है, मतलब दैट इज ऑल अबाउट साइंस, ये एक वैज्ञानिक प्रोसेस है। तो उसके अंदर आदमी को निद्रावस्था के माध्यम से उसके अनकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके, उसके उसकी चेतना को पकड़ करके उसको उसके पूर्व जन्म में लेके जाया जाता है। आपने बड़े धारावाहिकों में और इस तरह की चीजों में देखा होगा, सुना होगा। तो उस सिचुएशन के अंदर आदमी का जो पुराना है, पास्ट है, उस कर्मा को चेक किया जाता है कि उसके अंदर कहां से प्रॉब्लम आ रही है। डॉक्टर आपका एक्सरे करता है, वो रिपोर्ट निकाल के क्यों चेक करता है, एक्सरे को क्यों करता है, कि शरीर में क्या है, पूर्व में क्या खाया है जो आज तबीयत खराब है। तो किसी भी एंगल में देख लो, आप मेडिकल के अंदर देख लो, आप इंजीनियरिंग में देख लो, किसी भी क्षेत्र में देख लो, प्रकृति का कानून जो चलता है वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलता है। जो आपने कर्म किया, एक बच्चे ने 4 साल मेहनत करी वो इंजीनियर बना, और कोई गारंटी भी नहीं है कि वो इंजीनियर बन जाएगा, मे बी वो फेल हो सकता है, लेकिन अगर उसने कर्म किया तो चांसेस रहेंगे कि उसको कुछ ना कुछ फल जरूर मिलेगा। इस तरह से हमें अपने जीवन को जीना है। तो परेशान होकर, दुखी होकर कि आज का फल आज मिल जाए, तो एक बात समझिए ना आप इस एंगल को, अगर पूर्व जन्म के कर्मों का फल उसी वक्त मिल जाता तो आप आज कहां से होते? आप आज पूर्व जन्म के बेसिस पे हो, अच्छे हो बुरे हो दैट डजंट मैटर। तो अगर तभी मिल जाता तो आपका जो यथार्थ है
प्रेजेंट है, करंट सिचुएशन है, वो कहां से पैदा होती? रॉकेट साइंस। तो आसान है समझना इस चीज को, लेकिन व्यर्थ में इस चीज के पीछे बड़ी कंफ्यूजन पाल लेनी, बड़ी शंकाएं पाल लेनी, बड़ा दुख पाल लेना कि हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं। एक वृद्धा लेडी पूरे जीवन, ये सत्य घटना, मैं अपने जीवन की खुद बता रहा हूं, जो मैंने अपनी आंखों से इस घटना को अब कई वर्षों तक देखा। तो एक वृद्ध लेडी और पूरी जिंदगी, पूरे जीवन उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों के साथ बहुत अच्छे कर्म किए। तो 10-20 साल, 25-30, 40-50 साल उन्होंने जितना भी मतलब करा, जब से मैं जानता हूं उनको तब से लगभग 15 साल 20 साल के ऐसे पीरियड में, तो बड़े अच्छे कर्म किए उन्होंने। वो गांव, दूर दूर के गांव तक उनको सब भाभी माँ कहकर पुकारते थे। और बड़ी इंटरेस्टिंग विचित्र स्टोरी क्या हुई उनके साथ, वो किसी कारण से, मतलब जैसे आदमी अपने बिस्तर पर सोता है, वहां से गिर गई तो यहां की हड्डी टूट गई, तो सर्वाइकल वाली जो जगह की होती है, तो वो गिरी और ऐसी सिचुएशन में लगी उनको, एक ऐसे स्थान पर लगी जिसका इलाज संभव नहीं है, तो वो अपने बिस्तर पर आ गई। अब बिस्तर पर आई तो उस हिसाब से उनके जो टेम्परेचर था बॉडी का, जब एक आदमी परमानेंट बेड पर लेटा रहे वो उठ नहीं सकता, तो उसके वहां घाव हो जाते हैं, तो बड़ी स्थिति अजीब। तो कई 2-3 महीने के मेहनत मशक्कत के बाद डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया और उनकी बड़ी मतलब दर्दनाक स्थिति में मृत्यु हुई। और जिसने भी इस कहानी को सुना वो बड़ा हैरान था। कारण क्या था कि उनके जीवन के कई वर्ष उन सभी व्यक्तियों ने देखे थे, बड़े अच्छे कर्म, और ऐसे कर्म बहुत क्लासिक कर्म। सभी हैरान, परेशान, जो जानता नहीं था वो भी परेशान कि कम से कम इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो समझें, इसी कहानी के अंदर इस विषय को समझने की शक्ति है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पूर्व जन्म के सारे अच्छे कर्मों के बीच में कोई छोटा सा ऐसा कर्म था जो अनजाने में उनसे हो गया होगा, और उसी छोटे कर्म की वजह से उनको थोड़ी सी तकलीफ झेलनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म हमें ऐसी स्थिति में लात डाल देते हैं। पूरी जिंदगी बहुत अच्छा चलता है, पूरी जिंदगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी गलती हमारे कर्मों के अंदर, इसीलिए बोला जाता है कि हर वक्त हर पल अच्छे कर्म करो, क्योंकि किसी भी पल में पूरे जीवन को बदलने की शक्ति होती है। और पूरा जीवन, आपका आने वाला वक्त यानी आपका अगला जन्म, उससे अगला जन्म, आप डिफाइन नहीं कर सकते कौन सा जन्म होता है। इसीलिए हर पल हर वक्त में अच्छे कर्म, पॉजिटिव कर्म करने होते हैं आदमी को। अब एक भगवान शंकर का भक्त है, वो बड़ी पूजा करता है भगवान शंकर की, बहुत पूजा करता है, और उसका एक कर्म खराब है। क्या? कि वो थोड़ा सा नशा करता है। अब समझें इस विधान को आप, किसी भगवान की भक्ति करना, कोई मां दुर्गे की पूजा करता है और वो कुछ गलत कर्म करता है अपने जीवन के अंदर, तो लोगों को बड़ी अंदर से उत्सुकता होती है कि उसका भविष्य क्या होगा, क्योंकि वो भगवान का परम भक्त है, वो मां दुर्गा का बड़ा परम भक्त है, तो उसके जीवन में तो कुछ भी घट नहीं सकता। आप इस विधान को समझें, प्रकृति ने आपके कर्मों के हिसाब से आपको देना है, आपकी नियति बनाकर। आपने जो ईश्वर की आराधना करी उसका फल आपको मिलेगा। मान लीजिए आपने एक अपने एग्जाम के अंदर, अपने कोई भी पेपर के अंदर 100 में से 80 कर्म यानी 80 नंबर अच्छे ले लिए, तो जो बचे 20 हैं जो आपने छोड़ दिया, वो उसमें से नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो इसी तरह से समझें, कोई भगवान की आराधना करता है तो उसको उसके हिसाब से भगवान ज्यादा ही फल देता है, भगवान कभी कम नहीं देता, तो उसको उस हिसाब से मिल जाता है। लेकिन जो उसके गलत कर्म है वो भगवान ने करने को नहीं कहा, तो वो उसमें से घटा दिए जाते हैं, प्लस माइनस। तो द नेचर इज जस्ट ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, साइंस,
आप जो करोगे आपको उसी हिसाब से आपके खाते में, बैंक्स जाते हो आप, बैंक्स में बोला जाता है कि आपका इतना पैसा है, इतना जमा है, इतना आपने निकाल लिया, वो आपके पास वो किताब सी होती है एक बैंक की जिसमें पूरी उसकी जानकारी विवरण होता है। व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर सारे कर्म बहुत सोच समझ के बिल्कुल एकाग्र होकर करने चाहिए। और आज हम दुखी हैं तो वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म है। अब लोग कहते हैं कई पूर्व जन्म होता नहीं है, तो एक बात बता दो फिर, जो 2 महीने का बच्चा होता है, 2 महीने का छोटा सा बालक होता है, उसके दिल में छेद होता है, देखा होगा आप लोगों ने कहीं भी, तो जो 2 महीने का बच्चा होता है उसके जो दिल में छेद होता है उसने कौन सा कर्म कर दिया? वो तो कर्म करने वाली उम्र में भी नहीं पहुंचा, वो तो कर्म करने के लिए भी एक उम्र का होना जरूरी है। अब वो 2 महीने के बच्चे ने कौन सी गलती कर दी, या 2 महीने छोड़ो, आप 15 दिन का बच्चा पैदा हुआ और वो सडनली चला गया इस दुनिया को छोड़ के, उसने कौन से ऐसे कर्म कर दिया जीवन के अंदर? अभी तो वो कर्म करने वाली स्थिति में भी नहीं आया, उम्र में भी नहीं आया, और वो चल बसा किस रीजन से? दैट इज ऑल अबाउट आवर पास्ट लाइफ कर्मास। ठीक है, हमारे पूर्व जन्म के कहीं ना कहीं कर्म होते हैं जो हमें भविष्य में, एक बच्चा पैदा हुआ बड़ा जिद्दी था, लोग बोलते ये किस पर गया है, ना इसके पिता जिद्दी ना इसकी माता जिद्दी, कहां से जिद्दी बनाया उसके अंदर? इट्स ऑल अबाउट आवर पास्ट लाइफ कर्मास, पूर्व जन्म के कर्म। जो बैंक होता है ना, बैंक जहां आप जाते हो, बैंक के अंदर भी आपको तब लोन मिलता है जब आपका उस बैंक के अंदर खाता होता है। ये तो फिर भी प्रकृति है, समझें इस विधान को।